इंग्लिश में हम पांचवा भाग बनाने जा रहे हैं। पांचवे भाग में आपको प्रोनाउन में परिवर्तन, इसमें आपको हम ये क्लियर कर देते हैं कि प्रोनाउन कैसे चेंज होता है, उसके क्या नियम है। तो प्रोनाउन में परिवर्तन, प्रोनाउन में देखिए जैसे पर्सन है नॉमिनेटिव केस है, यानी सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव केस, यानी कि ऑब्जेक्ट पोजेसिव केस। यानी कहने का मतलब जैसे आई के, आई नॉमिनेटिव केस है, इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा मी, और आई के पोजेसिव केस हो जाए माई और माइन। इसी तरह से वी है, तो वी हमारा क्या है, नॉमिनेटिव केस है। अगर किसी ने पूछ लिया कि यानी कि वी के आज ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो अस होगा, और वी के पोजेसिव केस होगा आवर और आवर्स। इसी क्रम में यू है, तो यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा। मान लीजिए किसी ने पूछ लिया कहो यू के ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, तो यू ही होता है, और यू का पोजेसिव केस क्या होता है, योर और योर्स होता है। इसी क्रम में ही क्या है, नॉमिनेटिव केस है, सब्जेक्ट है, इसका ऑब्जेक्टिव केस हो जाए हिम, और ही के पोजेसिव केस हो जाए हिज। अब इसी तरह से सी है, तो सी तो नॉमिनेटिव केस है, यानी कि सब्जेक्ट है, यानी कि कर्ता है, और इसका ऑब्जेक्टिव केस होगा हर, और सी के यानी कि पॉजेसिव केस हो जाए हर या हर्स। हर्स इट के ऑब्जेक्टिव केस इट, अपोजेसिव केस इट्स। अब दे के ऑब्जेक्टिव केस, भाई दे क्या है, नॉमिनेटिव केस है, तो दे के ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, देव होगा। अब दे के पॉजेसिव केस होगा दियर या दियर्स। तो अब हम आज हम बताने जा रहे हैं जब रिपोर्टेड पार्ट में यदि प्रोनाउन है उसको हम कैसे चेंज करते हैं। अब एग्जांपल आपको हम बता रहे हैं, देख लीजिए। पहला एग्जांपल हम बताने जा, देखिए अब यानी कि एग्जांपल वन में देख लीजिए, ही सेड टू मी, ही माने उसने, सेड माने कहा, टू मी माने मुझसे, उसने मुझसे कहा, कामा इनोटेड कामा, यू वास, यू माने तुम, वास मीन्स होता है, क्योंकि यहां सहायक क्रिया नहीं है और वास जो है वो फर्स्ट फॉर्म में है, इसलिए कभी मान लीजिए इसी सीन आती है कि सहायक क्रिया नहीं है और क्रिया फर्स्ट फॉर्म में है, तो उसका जो हिंदी में अनुवाद निकलेगा ता है, ती है, ते है में निकलेगा, ते है में। जैसे यू माने तुम, वास माने धोते हो, योर फेस अपने चेहरे को, तुम अपने चेहरे को धोते हो। अब इसी को हमको चेंज करना है इनडायरेक्ट में, तो इनडायरेक्ट में हम कैसे चेंज करेंगे। नियम तो वही पुराना है जो हम पार्ट वन, पार्ट टू, पार्ट थ्री, पार्ट फोर में बनाए हैं, नियम तो वही सब लगेगा। अगर देखे होंगे तो मतलब कि अब यहां ये यहां से यहां तक वही तरह चेंज होगा। अब जो रिपोर्टेड स्पीच में जो ये प्रोनाउन दिया गया है इसी को चेंज करना हम भाग पांच में बता रहे हैं, बाकी चेंज करना और सब वीडियो में हम बता दिए पार्ट में। तो देख लीजिए तरीके, हम फिर बता देना चाहते हैं कि पार्ट टू का नियम है, पार्ट टू में हम बताए हैं यदि रिपोर्टेड स्पीच कर्ता से प्रारंभ हो और रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म हो, जैसा कि हमने कहा है कि सेड और कामा के बीच में अगर कुछ लिखा हुआ है तो इसका मतलब कर्म लिखा है। तो यदि रिपोर्टेड स्पीच कर्ता से प्रारंभ हो
और रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म हो यानी कि ऑब्जेक्ट हो तो हम क्या करते हैं, ही सेड को टोल्ड में बदल देते हैं और टीओ टू को हटा देते हैं, उसके आगे वाले शब्द को उतार लेते हैं। कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए अब हम किसका प्रयोग करेंगे, तो भाग वन भाग टू में हमने बताया है कि जब जब रिपोर्टेड स्पीच कर्ता से प्रारंभ हो तब तब हम कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का ही प्रयोग करेंगे। तो यहां कामा इनवर्टेड कामा है इसलिए यहां पर हम दैट का प्रयोग कर दिए। अब ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि हमने दैट का प्रयोग क्यों किया, अब इसको तो समझ रहे हो कि क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच कर्ता से प्रारंभ है इसलिए कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का प्रयोग किया गया है। अब कामा इनवर्टेड कामा हटाने के बाद जैसा कि हमने हर पार्ट में हमने बताया है कि तनिक रुक जा, पेन बंद कर लीजिए, अब वहां पर अब दिमाग चलाइए। अब दिमाग का काम है अब रुक करके देखिए कि जो रिपोर्टेड पार्ट में जो ये सब्जेक्ट दिया गया है ये किस पर्सन में है। हमने देखा रिपोर्टेड स्पीच के पार्ट का सब्जेक्ट जो है वो यू है। अब ये पता लगाना है यू कौन सा पर्सन है, तो हमने जब देखा तो उसमें हमने क्या देखा, यू जो है सेकंड पर्सन है। अब ये पता लगा लीजिए जब रिपोर्टेड पार्ट का सब्जेक्ट जो है वो सेकंड पर्सन में है तो उसको हम किसके अनुसार चेंज करते हैं। तो अब चलिए 123 बटे सन में, अब हमारा 123 बटे सन में क्या कह रहा है कि सेकंड पर्सन किसमें बदले, तो अभी हम हल्का से देखेंगे। हम यहां तो यह है कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता अगर फर्स्ट पर्सन है तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, यदि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता सेकंड पर्सन है तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज करेंगे, यदि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता थर्ड पर्सन है तो उसको हम नहीं चेंज करते हैं। तो क्योंकि यू सेकंड पर्सन है तो यही पता लगाना है कि सेकंड पर्सन जो है किसके अनुसार चेंज होगा। तो आप देख रहे हैं कि कहो रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता सेकंड पर्सन है, इसको चेंज करेंगे हम रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। अब यहां रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है, मी है। देखिए आप लोग रामलीला देखते होंगे, तो रामलीला में क्या देखते हैं, जैसे मान लीजिए दशरथ, कोई व्यक्ति दशरथ बना तो वो क्या करता है, जब मंच पे जाता है तो दशरथ कर पोशाक पहन करके वहां मंच पे जाकर के बैठता है। अगर मान लीजिए दशरथ का रोल खत्म हो जाए, अब यानी कि परशुराम का रोल लेने वाला कोई नहीं है, तो लोग वहां जो कमेटी में रहेंगे वो क्या कहेंगे, भैया अब तो यार आपका रोल है नहीं यार, आप परशुराम बन जाइए। अब वो परशुराम बनेंगे, आप परशुराम बनेंगे तो परशुराम का पोशाक यानी कायदे से फरसा वरसा लेकर के कायदे से सब पहन करके पोशाक परशुराम का, तब वो जाएंगे मंच पर तो लोग देख करके ही बता देंगे परशुराम आ गए। अगर वो राजा, जो राजा दशरथ थे, अगर वो राजा दशरथ का पोशाक पहन के जाते तो कोई कहता कि ये परशुराम है, सब कहते राजा आ गए। तो उसी तरह से है ये, अभी तक हमने केवल हमने बताया था, अब इसमें हम ये बताएंगे हमने यू को इसके यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार हमने चेंज किया। लेकिन हमने कहा यहां मी है तो यहां आई हो जाए, यहां हर है तो यहां, तो क्यों, अब आज हम यानी कि बताएंगे जब रिपोर्टेड स्पीच में प्रोनाउन है तो उसको कैसे चेंज किया जाता है। भाग पांच शुरू से आखिरी तक देखिए, पूरा क्लियर हो जाएगा। देखिए अब यहां यू क्या है, सेकंड पर्सन है, अब यह पता चल गया कि इसको हम इसके अनुसार चेंज करेंगे।
लेकिन यू है क्या? यू जो है नाम नेटिव केस है, यानी कि सब्जेक्ट है। यहां मी जो दिखाई दे रहा है वो मी देख लीजिए, मी यहां ये है, इसमें मी दिया गया है। ये किसमें दिया गया है? ऑब्जेक्टिव केस में दिया गया है। इसका मतलब ये मी जो है ऑब्जेक्टिव केस है। ये ऑब्जेक्टिव केस जो है ये जा रहा है किसका रोल खेलने? कर्ता के रोल खेले जाता है, नाम नेटिव का केस, नाम नेटिव का रोल खेलने जा रहा है। तो कहने का मतलब जब किसी ऑब्जेक्टिव केस को मंच पे भेजोगे भैया जाओ, यानी कि नाम नेटिव का रोल खेल करके आओ, तो इस जो ये ऑब्जेक्टिव केस है इसको क्या करोगे? इसको पहनाओगे नाम नेटिव केस का पोशाक, तब वो मंच पर जाएगा। तो मी कहे, मी को जब हम क्या पहनाएंगे? नाम नेटिव केस का पोशाक। तो जब नाम नेटिव केस का इसको पोशाक पहना देंगे तो मंच पे जाएगा तो क्या दिखेगा? सब लोग कहेंगे आई आई ना, तो यहां आई कर दिए। समझ लीजिएगा, जो व्यक्ति जो रोल खेलने जा रहा है वही पोशाक, उसी का पोशाक पहन करके जाएगा, तभी लोग पहचानेंगे कि देख करके, पोशाक देख करके पहचान लेंगे, बताने की आवश्यकता नहीं है। अगर फरसा वो लेकर के गए हैं कायदे से बाल फिट करके, समझ लेंगे कि परशुराम आ गए। तो अब देखिए ये चेंज हो गया। अब चूंकि अब आ जाइए यानी कि टेंस पर, अब इसमें देखिए सहायक क्रिया नहीं है, अब क्रिया फर्स्ट फॉर्म में है। हमने कहा है अगर रिपोर्टेड रिपोर्टिंग वर्ब इन्हीं पास्ट टेंस में है तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस बदल देते हैं। तो कैसे बदलेंगे? अगर पहले देखेंगे रिपोर्टेड स्पीच किस में है, देख रहे हैं कि सहायक क्रिया नहीं है और क्रिया फर्स्ट फॉर्म में है, तो इसका मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस किस में बदलेंगे? तो नियमानुसार क्या है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदल देते हैं। अब पास्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को यदि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलना है तो हमने कहा है इसमें सहायक क्रिया नहीं है, इसमें भी सहायक क्रिया लिखी जाए, इसमें सहायक क्रिया जो है फर्स्ट फॉर्म में है तो इसमें सेकंड फॉर्म में हो जाए। अगर हम सेकंड फॉर्म में लिख देते हैं और तो समझ लीजिए हमारा ये टेंस चेंज हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। फिर जब हम आगे चले तो अब हमको योर मिला, योर मिला, ये भी देखिए योर जो है कहीं हमने देखा कहीं हो हेरा हेमा या बाई योर, इसका मतलब कि योर इन्हीं प्रोनाउन के अंतर्गत ही आता है। अब आज हम प्रोनाउन में चेंजिंग ही बता रहे हैं कि प्रोनाउन को कैसे चेंज किया जाता है। अगर रिपोर्टेड स्पीच में जहां जहां प्रोनाउन मिल जाए, प्रोनाउन के रूप में अगर मिल जाए वहां रुक जाइए, अब फिर हम चले फिर हमका योर मिल गया, फिर हम रुक गए। अब हमने देखा योर क्या है, हमने योर को हमने देखा योर जो है वो पोजेसिव केस है। अब योर पोजेसिव केस है तो यो अब जिस केस में है उसका हम असली रूप देखेंगे, उसका नॉमिनेटिव केस क्या है, चाहे जिस रूप में होगा उसको यही पहले पता लगाएंगे इसका नॉमिनेटिव केस क्या है। जब पता लग जाएगी मतलब इसका नॉमिनेटिव केस है तो हमें प्रोनाउन बदलने में आसान हो जाएगा। तो अब हम ये देखेंगे योर जो है ये इसका नॉमिनेटिव केस क्या है। तो इसे धीरे से इसे लौट आइए तो यहां मिलेगा नॉमिनेटिव केस के नीचे यू, इसका मतलब पता चल गया कि योर जो है वो पोजेसिव केस किसका है, यानी कि यू का है। अब यहां यू के पास आए तो यू के पास आए तो यू जो है वो किसके अनुसार चेंज होगा? अब देखिए यू सेकंड पर्सन है इसके अनुसार चेंज होगा। तो अब यानी कि मी, अब पहले जब इन्हें पता चल जाए
तो उस फिर पता लगाइए कि ये किसके अनुसार चेंज होता है, वही 123 बटे सन में फिर हिल जाइए, देख लीजिए यू किसके अनुसार चेंज होता है, फिर लौट आइए वहां पर। अब ये चेंज होता है मी के अनुसार। अब जब यानी कि अब ये अब यहां यू को हम यहां यू पता चल गया, अब यू मतलब यहां यू का पॉजिटिव केस योर है, यहां मी को हम यहां योर की जगह पर हम भेजेंगे, लेकिन मी है क्या, अब ये पता लगाना है। मी देखिए, मी जो है ये मी, इसका हम नॉमिनेटिव केस का पता लगाएंगे। मी जो है मी का नॉमिनेटिव केस आई है, जब यहां नॉमिनेटिव कहेंगे नॉमिनेटिव केस यू था, यू के पास जैसे केस लिखा गया था, इसलिए जब मी का नॉमिनेटिव केस आई है तो हम भेद आई को भेजेंगे कहां पर, पॉजेसिव केस की जगह पर। तो आई को करेंगे क्या, इनको हम पॉजेसिव बनाएंगे, आई को पॉजेसिव बनाएंगे तब इनको भेजेंगे। तो आई का पॉजेसिव केस क्या होगा, माई होगा। तो इनको आई को जब हम मंच पर इनके रूप बदल के माई के रूप बना देंगे तो मंच वाले कहेंगे कि माई आएगी। तो अब यानी कि फेस, यानी कि अगर क्लियर ना हुआ हो तो हम एग्जांपल 2-3-4 एग्जांपल देंगे, हम प्रोनाउन कैसे चेंज किया जाता है भाग 5 में पूरा क्लियर कर देंगे। शुरू से आखिर तक वीडियो देखते रहिए। देखिए एग्जांपल 2 लिखे हैं, आज हम भाग 5 में केवल प्रोनाउन के ही बारे में बताएंगे। लिखा है सी सेड, सी माने उसने, सेड माने कहा, कामा इनवर्टेड कामा, आई सैल सी माई लेटर, आई माने मैं, सैल सी माने देखूंगा, माई लेटर अपना पत्र, मैं अपना पत्र देखूंगा। अब इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट में, बाकी तो कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए किसका प्रयोग होगा, सेड को किस में बदले, ये तो पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 4 तक अगर आप देखे हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ बता दिए हैं। इसमें केवल आपको बताना है कि यदि रिपोर्टेड पार्ट में प्रोनाउन है तो हम उसको किस में चेंज करते हैं, आज पार्ट 5 में ये बता रहे हैं हम। तो ये तो यानी नियम 1 में हम एक तो नियम 1 का है, नियम 1 में हम बताए ही कि जब रिपोर्टेड स्पीच कर्ता से प्रारंभ हो और रिपोर्टिंग वर्ग में कर्म ना हो, अगर ऐसी सीन आती है तो हम क्या करते हैं, सी सेड को सेड ही लिखते हैं और कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। सुन लीजिए, दैट का प्रयोग करते हैं क्यों, क्योंकि जब जब रिपोर्टेड स्पीच कर्ता से प्रारंभ होता है यानी कि सब्जेक्ट से प्रारंभ होता है तो कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं। अब हमने कहा कामा इनवर्टेड कामा जब हट जाए, रुक जाओ, अब दिमाग से कुछ देखिए। अब देखिए रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यानी कि कर्ता क्या है, और हमने देखा कि रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता आई है। अब देखिए आई कौन सा पर्सन है, जब हमने पता लगाया आई कौन सा पर्सन है तो पता चला कि आई जो है वो फर्स्ट पर्सन है। अब यानी कि अब ये पता लगा ले कि आई जब फर्स्ट पर्सन है तो इसको हम कैसे बदलते हैं, किसके अनुसार बदलते हैं, तो हम जाएंगे 123 बटे सन में। तो जब 123 बटे सन में जाएंगे तो हम क्या, हमने क्या देखा, हम वहां क्या देख रहे हैं कि जब रिपोर्टेड स्पीच फर्स्ट पर्सन में हो तो उसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज कर देते हैं। इसका मतलब कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता फर्स्ट पर्सन है तो इसको हम रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार बदल देंगे।
अब यहां रिपोर्टिंग वर्ब का कर्ता क्या है? सी है। अब देखिए आई क्या है? आई क्या है? नॉन नेटिव केस है। यहां जो जिसके अनुसार बदलना है, अब वो देखिए क्या है, या देखिए सी है, ये भी नॉमिनेटिव केस है। अगर एक नॉमिनेटिव केस जो है, एक नॉमिनेटिव केस को भेज रहा है तो वहां तो चेंजिंग नहीं होगा। जैसे दो परशुराम का रोल तैयार है, दो व्यक्ति परशुराम का पोशाक पहन करके तैयार है, तो अगर एक मान लीजिए उसकी तबीयत खराब हो जाती है तो कहेंगे भैया तुम चले जाओ। अब चूंकि वो तो परशुराम का पोशाक पहने ही है, उनको तो चेंज नहीं करना है, वो वही से चले जाएंगे मंच पे। तो वही तरह यहां पर है, ये आई क्या है? नॉमिनेटिव केस है। और जिसके अनुसार बदलना है, यानी कि रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार बदलना है, वो भी नॉमिनेटिव केस में है, तो इसको चेंजिंग नहीं करना है, इसको चेंज नहीं करना है, इसको ऐसे उतार लेना है। ये भी नॉमिनेटिव केस में है, और जिसके अनुसार बदलना है वो पहले से तैयार होकर बैठा है, तो इसको चेंज नहीं करना है। अब चलिए, अब यहां अब तो हमारा ये रिपोर्टेड स्पीच के कर्ता जो हमने चेंज कर लिया। अब चलिए, अब जैसे ये जिस वाक्य में, जिस सेंटेंस में सैर और बिल रहेगा, अब उसको कैसे चेंज करेंगे? सुन लीजिए, बिल को हम उड में बदल देते हैं, और सुड को यानी कि सैल को यानी कि बदल देते हैं सुड में। बिल को उड में बदलेंगे, सैल को सुड में बदलेंगे। अब देखिए, जो हमने लिखा है उसके अनुसार तो यही है कि यहां सैल है, तो सैल की जगह पर यहां हम सुड लिख दें, नियम यही है। बिल यहां है तो यहां हम उड लिख दें, लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल है तो हम उड लिख दें, सैल है तो सुड लिख दें, तनिक हल्का से होकर नियम है। तो जहां सैल को हम सुड लिखने जा रहे हैं, पहले मत लिखिए, अगर बिल को उड़ बदले का है या सैल को सुड में बदले का है तो तनिक रुक जा कि यहाँ सैल है, गुरु जी बताए हैं कि सैल को सुड में बदला जाता है, यह बताया है, तनिक रुक जा, जहाँ सैल का सुड लिखा जाता है देखा उपरे पहले, अगर मतलब कहीं ऐसा तो नहीं ना कि ना आई हो ना बिल हो, अगर जहां लिखा जाता है अगर पहले आई हो बिल आई ना, तो फिर हम उल्टा चेंज करेंगे, अगर सैल लिखा है तो उड़ लिख देंगे यहाँ। जैसे यहां सैल को यहां हम सुड कब लिखते? जब यहां बी लिखा रहता, जब यहां आई लिखा होता। अगर ना मतलब सुड जो है या तो आई के आगे लिखा जाए या तो बी के आगे लिखा जाए, अगर ये दोनों नहीं है और वहां रिपोर्टेड स्पीच में जो है वो सैल लिखा हुआ है, तो उसको हम तनिक उल्टा चेंज कर देंगे, सैल को उड में बदल देंगे। ठीक, तो हमने सैल को उड में बदल दिया। अगर मान लीजिए किसी ने पूछ लिया कि सैल को उड में क्यों बदल दिए, सैल को तो सुड में बदलना चाहिए, बता दीजिए, हाँ सही कह रहे हो, सैल को सुड में लिखा जाता है, लेकिन जहां सैल को सुड लिखने जा रहे हो ये फिर दिमाग लगा लो, क्या उसके पहले आई लिखा है, क्या उसके पहले वी लिखा है? अगर नहीं लिखा है तो सैल को उड में बदला जाता है। अब चलिए आगे, मतलब कि मतलब बिल सैल में माई मतलब कि इसके साथ जो है क्रिया का फर्स्ट है फॉर्मूला लगा है, इसलिए हम इसको सी को सी ही लिखेंगे। तो सी उड सी, अब ये सी तो है क्या है, ये नॉमिनेटिव केस है, ये जो एस डबल ई लिखे हैं ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, मतलब कि अब आगे देखिए, अब हम जब यहां तक हिसाब भैया, अब जब इसके आगे चले तो हमको क्या मिला, माई मिला। माई क्या है, अगर यहमन से अगर कोनो वाक मिले, अब माई यहां लिखा है तो हम देख रहे हैं माई यह लिखा हुआ, अगर यह जो कालम हम बनाए हैं, अगर यानी कामा इनोटेड कामा के अंदर
अगर यहां से कोनो चीज पाई जाया तो जल्दबाजी मत करिएगा, रुक जाइएगा, नारेशन गलत मत करिए। अगर तुम्हारा दो नंबर चला जाएगा तो जिंदगी में दो नंबर हमेशा कम रहेगा, इसलिए जिंदगी सवाल है। हम रुक जाएंगे, हम देखेंगे कि कहो माई लिखा हुआ है। अब माई ये जो है प्रोनाउन की अंदर आता है, और जब कामा यानी जब इनवर्टेड कामा के अंदर प्रोनाउन मिलता है वो उसको चेंज किया जाता है। तो हम रुक करके देखें यहां क्या है, माई है। अब माई हम देख रहे हैं पोजेसिव केस है। अब ये पता लगाएंगे माई अगर पोजेसिव केस है तो किसका पोजेसिव केस है, तो यानी कि इसका नॉमिनेटिव केस, माई का नॉमिनेटिव केस क्या है। अब सीधे आ जाएंगे नॉमिनेटिव केस में। हमने देखा कि माई का नॉमिनेटिव केस आई है। जब पता चल नॉमिनेटिव केस पता चल जाए तो अब फिर वही पुराना नियम ऐसे उल्टा चलेगा है। अगर पता लग गया कि मतलब माई के नॉमिनेटिव केस आई है, अब देखा आई कौन पर्सन अट है ये पता लगाएंगे, फिर पता लगाएंगे कि आई किसके अनुसार चेंज होता है। जब फर्स्ट पर्सन है तो इसको हम सब्जेक्ट के अनुसार बदलेंगे। अब फिर देखेंगे यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, सी है। अब पता चलेगा कि आई को मतलब सी को हमको जो है इसको हमको भेजना है माई की जगह पर, जबकि माई जो है वो पॉजिटिव केस है। अब हमने कहा आई आई इनसे कहें सी से कहें यार चले जाओ तनी के माई की जगह पे, क्योंकि आई का पॉजिटिव केस माई है। तो सी क्या करेगा, सी जो है किसका रोल खेलने जा रहा है, सी खेलने जा रहा है पॉजिटिव केस का। अब किसकी जगह पर खेलने जा रहा है, माई की जगह पर खेलने जा रहा है। माई बीमार हुई थी इस इनकी जगह पर, मतलब सी को भेजा जा रहा है। तो सी जल्दी से जल्दी कहा तैयार हो, जल्दी ये तैयार होगी जल्दी से पॉजिटिव केस बनेंगे, पॉजिटिव केस बन के जाएंगे। आप यानी कि अब ये पता लगाना है जब हम सी को पॉजिटिव केस में अगर चेंज करेंगे तो क्या मंच पे जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे, भाई हर आई, हर आएगी, हर क्यों आएगी, क्योंकि हर जो है पॉजिटिव केस है। तो यहां हम माई की जगह पर हर लिख दिए, समझ में आ गया होगा। और लेटर को हम जो करते हैं वैसे उतार देंगे। चलिए अगर दो वाक्य में अगर क्लियर नहीं हुआ है तो वीडियो को देखते रहिए। एग्जाम्पल तीन, अगर ये दो एग्जाम्पल में कहीं दिक्कत हो एक एग्जाम्पल हम और बता देते हैं, उसके बाद किताब खोलिएगा उसमें वाक्य देखिएगा जिसमें मतलब जो जब यानी कि इन्वर्टेड कामा के अंदर जिसमें जिसमें प्रोनाउन लिखा हो उसको चेंज करके प्रयास करिएगा, देखिएगा। और अगर कहीं दिक्कत हो तो मतलब वीडियो को रिवर्स करके फिर से देख लीजिए। और देखिए अब दे सेड, दे माने उन्होंने, सेड माने कहा, वी माने हम, सेल हेल्प माने मदद करूंगा, हम मदद करूंगा, हम मदद करेंगे आवर फ्रेंड्स अपने मित्रों का। देखिए केवल हम आज क्या क्लियर कर रहे हैं, केवल हम क्लियर कर रहे हैं जब इनवर्टेड कामा के अंदर अगर प्रोनाउन दिया गया है उसको हम कैसे चेंज करते हैं। तो भाग पांच अगर आप देखेंगे शुरू से आखिरी तक तो आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। अब देखिए बाकी तो वही पुराना नियम है, जैसे इसमें अब क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच जो है वो कर्ता से प्रारंभ है और कामा इनवर्टेड कामा यानी कामा के कामा यानी रिपोर्टिंग वर्ब में कर्म नहीं है, तो अगर कर्म नहीं है तो हम करते क्या है, हम सेड को सेड ही लिखते हैं और कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का प्रयोग करते हैं, इतना हो गया। अब कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का प्रयोग हमने क्यों किया, क्योंकि जब जब रिपोर्टेड स्पीच कर्ता से प्रारंभ होता है
तब तब हम कामा इनवर्टेड कामा हटाने के लिए दैट का ही प्रयोग करते हैं। और हमने बताया है कि जब जब कामा इनवर्टेड कामा हट जाए रुक जा। अब तनिक देख लिया कि रिपोर्टेड स्पीच के कर्ता क्या है, और हमने देखा यहां रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता जो है वी है। अब देखेंगे कि वी कौन सा पर्सन है, तो हमने देखा वी जो है वो फर्स्ट पर्सन है। अब देखेंगे कि फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, तो हमने देखा कि जब रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता फर्स्ट पर्सन में हो तो इसको हम चेंज करते हैं रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, यानी कर्ता के अनुसार। तो अगर यानी रिपोर्टेड स्पीच का कर्ता अगर फर्स्ट पर्सन है तो इसको हम चेंज करेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता के अनुसार। अब रिपोर्टिंग वर्ब का कर्ता यहां क्या है, दे है। अब सुनिए, यानी दे को हम किसकी जगह पर भेज रहे हैं, भैया चले जाओ, तो वी की जगह पर हम भेज रहे हैं। और वी है क्या, वी जो है वो नॉमिनेटिव केस है। और जिसको हम भेज रहे हैं वो क्या है, दे देखा ये भी नॉमिनेटिव केस है, तो दोनों नॉमिनेटिव में है, इसलिए इसको चेंज नहीं करना है। जैसा कि हमने कहा है कि दुई परशुराम बने हैं सजा है। आओ हमने एक जने कहा, एक जने की मतलब तबियत खराब हुई गई, जने सजे हैं कहीं भैया चले जाओ जल्दी, उनको सजना भी नहीं है। तो उसी तरह से इसमें क्या है, यदि वी भी नॉमिनेटिव केस है, इसकी तबियत खराब हो गई तो ये मतलब कि दे को भेजना चाहता है, दे भी नॉमिनेटिव केस है इसलिए इसको हम चेंज नहीं करेंगे। अगर नॉमिनेटिव केस है तो आपकी मतलब चेंजिंग हुई है। अब देखिए साइल को हम किसमें चेंज करते हैं, साइल को सूड में चेंज करते हैं, विल को वुड में चेंज करते हैं। अब जैसा कि हम बताए हैं उसके अनुसार तो साइल को यहाँ सूड लिखना चाहिए, लेकिन चूंकि ये भी बताए हैं कि जहां सूड लिखने जा रहे हो क्या उसके पहले आई है, आई अगर नहीं है तो सूड नहीं लिखेंगे। फिर देखिए क्या वी है, अगर वी नहीं है तो फिर तभी सूड नहीं लिखेंगे। अगर ये दोनों नहीं है तो हम साइल को वुड में बदल देते हैं। अगर कहीं दिक्कत हो कमेंट करिएगा। और वुड के साथ में क्रिया के फर्स्ट फॉर्म लागे तो हेल्प को हेल्प। अब इनी आवर, अब ये आवर देखिए इधर, यहां रुकने का एक ठोकर है, जान लीजिए जैसे मोटरसाइकिल से जाते हो ठोकर बनाए रुकते हो धीम करते हो, अब यहां अपनी स्पीड धीम कर लीजिए, ठोकर है। अब देखिए यहाँ आवर लिखा हुआ है, अब इसमें जो प्रोनाउन के कॉलम में देखिए आवर है कहाँ, हमने देखा आवर ये लिखा हुआ है, तो जो यहाँ प्रोनाउन हो उसको पहले पता लगाइए कि ये है क्या, ये नॉमिनेटिव है कि ये ऑब्जेक्टिव है कि ये पोजेसिव है। तो जब इसको हम पता लगाने गए तो हमने देखा इसको पाया हमने पोजेसिव केस के घर में, तो पोजेसिव केस के घर में पाया तो हमने सोचा कि ये पोजेसिव केस जरूर होगा, तो ये पोजेसिव केस। अब यानी जब पता चल गया कि आवर जो पोजेसिव केस है तो ये पता लगाएंगे कि इसका नॉमिनेटिव केस क्या है, तो आवर जो है किसका नॉमिनेटिव मतलब पोजेसिव केस है, तो अब देखिए इस कारण में आएंगे तो वी, वी का पोजेसिव केस आवर होता है। अब पता चल गया कि वी इसका मतलब ये जान लीजिए इसका नॉमिनेटिव केस क्या है, पोजेसिव मतलब कि आवर है, वी है, इसका नॉमिनेटिव केस क्या है, वी है। अब जब पता चल गया नॉमिनेटिव केस तो देखिए वो फिर वही पुराने नियम पर, वो किसके अनुसार चेंज होता था या किसके कहने की कैसे चेंज होता है, तो अब वी, तो वी जो है फर्स्ट पर्सन है तो ये फर्स्ट पर्सन जो है रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। अब चलेंगे रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट पर। अब देश से हमने कहा भैया तुम चले जाओ आवर के रोल खेल लीजिए। अब क्योंकि आवर क्या है, आवर अभी तक इन्हीं किसका रोल लिया था, पोजेसिव केस का, तो देश को पहले जल्दी से पोजेसिव केस बनाएंगे तब मंच पर भेजेंगे, मतलब जिसकी जगह पर हम जिसको भेज रहे हैं पहले पता लगाएंगे कौन रोल ले रहा है, वो रोल ले रहा तो वह रोल के कौन कपड़ा पहना जाता है,
वो कपड़ा पहना के भेजब। तो दे को हम भेज रहे आवर की जगह पर, आवर जो है वो पॉजेसिव केस के रोल खेल ले रहे, पॉजेसिव केस के रोल खेल रहे, लेकिन वो अचानक बीमार हो गए तो दे देखा भी दे खाली है, तो दे खाली है तो दे को हम अगर यहां भेजेंगे तो पॉजेसिव केस बना के भेजेंगे दे को। अब देखा दे को अगर हम पॉजेसिव केस बना के भेजेंगे तो दे का पॉजेसिव केस क्या होता है, डियर होता है। तो जब दे को अगर हम पॉजेसिव केस की जगह पर भेजेंगे तो डियर हो जाएगा, टी एच आई ई आर, डियर, टी एच ई आई आर, डियर, डियर। और इसको ऐसे उतार लेंगे फ्रेंड्स, ये हमारा है। अब हम इसमें क्लियर किए हैं, अगर कहीं दिक्कत हो तो इसको एक बार दो बार वीडियो देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। लेकिन ये है कि अगर हम जिसे आई है, आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होगा और आई का पॉजेसिव केस माई और माइन होगा, इस तरह से है जैसे हम बताए हैं, इसे चेंज करिएगा, प्रयास करिएगा। और एक चीज और है, यानी कि हमारे वीडियो को शुरू से आखिरी तक जरूर देखिए और मतलब कि लाइक जरूर करिए। अगर आप लोग लाइक करेंगे और तो हम वीडियो बना करके आपके पास भेजेंगे। अब हम अगले मतलब वीडियो में मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।